लर्न टू ट्रेड सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है ये है क्लास नंबर सात छह क्लासेस हो चुके हैं और मोटा मोटी बेसिक्स ट्रेडिंग का हम समझ चुके हैं और अगर आपने अभी तक छः के छः क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास देखने के पहले वो छः क्लासेस देखना ज़रूरी है आधा आधा घंटे का एक एक क्लास है आप देखेंगे तो आपका बेसिक फाउंडेशन ट्रेडिंग का इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा पेस बढ़ेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो घबराइएगा मत जर्नी वही सिंपल रखूंगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ी हुई है हाय सर हेलो हाउ आर यू गुड सर आप कैसे मस्त है एकदम सो अनुपूर्णा छह क्लासेस हो गए बेसिक फाउंडेशन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने देखा आप ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन देख रहे थे yes, sir. और आप स्टॉकेज भी देख रहे थे तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि चलो एटलीस्ट ये हैबिट तो आपके अंदर में आ गई है राइट <laughs> right, रात को नींद आ रही है सर कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली सर कल रात को ही सिर्फ भाव ऊपर नीचे हो रहे थे oh, दिमाग में <laughs> मेरा कोई गलती नहीं है इसमें हाँ <laughs> <laughs> तो जो एक बार शेयर बाजार में भाव देखने लग जाता है तो रात को नींद में भी <laughs> वो भाव चलता रहता है विच इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूं आप मार्केट सीख तो रहे hmm. साथ में साइकोलॉजी पे भी बुक पढ़िए बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस uh, माइंड जो हमारा है ना वो इतना पावरफुल है कि आपको मार्केट के अंदर में पूरी तरीके से इंगेज रहने के लिए उस माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा Okay. तो अभी मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ आपका रियल माइंड को बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा सो देट पुड बिट ऑफ साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग लिटिल लिटिल बिट बिट ऑफ ऑफ मेडिटेशन यू नो ऊपर के लेवल के जो हमारी लाइफ होती है ना विच वी एट टाइम्स कॉल इट अ स्टेट ऑफ ब्लिस सो यू नो एक मेरे गुरु है सदगुरु बताते हैं कि uh, आपका बॉडी एक लेयर है इसके ऊपर में भी एक लेयर है और okay. इसके ऊपर भी एक लेयर है ठीक है okay. और जो लास्ट लेयर है ना जो दैट इज स्टेट ऑफ द्लिस जो आपका सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है लॉर्ड ऑफ पीपल आस्ट में दिस क्वेश्चन दैट यू सो कूल इन मार्केट मार्केट ऊपर जाता है तो मैं मस्त हूँ मार्केट नीचे जाता है मैं मस्त हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक विद दिस माइंड एनी वॉ आई थिंक विद दैट अदर माइंड एंड इट एजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस माइंड को ट्रेन करने के लिए कि जितने नॉइज है ना आपके अराउंड में उनसे दूर भागी है सबसे पहला गलती लोग करते हैं कि टीवी देखते न्यूज चैनल्स देखिए यू मस्ट है बुक विच टॉक्स अबाउट हाउ सोशल मीडिया इज मैपिंग आवर माइंड The, there was a TV series about There it. was a TV series in Netflix uh, called Social Dilemma. Social Dilemma. It's actually quite dangerous. Facebook exactly wants you to behave in a certain manner. Mm. Twitter wants you to behave in a certain manner. Mm. Also, TV channels, news channels, they want you to behave in a certain manner. Okay. So, the more you watch them, you are getting influenced a lot. So, you have to limit your. एज आई है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस नाउ एम इंट्रोड्यूसिंग अर्कल ऑफ इंफ्लुएंस आपको अपना सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस को लिमिट करना पड़ेगा कि यू शुड नॉट गेट इंफ्लुएंस बाई मैनी पीपल नहीं तो इतना नॉइज हो जाएगा आपके अराउंड में कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर पाएंगे दिज अ वेरी पॉवरफुल थॉट एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टॉक मार्केट फॉर एनी थिंग यू डू इन लाइफ योर टारगेट शुड बी हाउ डू आई ट्रेन माई सबकॉन्शियस माइंड ठीक है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सो दोस्तों ये सब बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं फंडामेंटल सीख जाते हैं और मार्केट में बटन uh, दबा देंगे और पैसे छप जाएंगे वैसे होता नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली योर योर रियल पोटेंशल कम्स आउट वेन यू ट्रेन द अदर पर्सन Not you you, you really, the other person which which is inside we we call 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 it it soul or or subconscious mind or whatever want to दो क्लास में क्लास नंबर फाइव और सिक्स में मैंने थोड़ा सा पेज पढ़ाया और आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया hmm. और आपको स्टॉकेज से कैसे स्क्रीन कर सकते हैं स्टॉक आइडिया वो बताने के बाद मैं जब वो वीडियो वापस देख रहा था ना मुझे लगा कि यार एक पॉइंट पे चर्चा अभी कर लेता हूं क्योंकि वो पॉइंट रिलेटेड ही है प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट अपने बात कर रहे हैं था कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करूं तो एक मैंने आपको बताया कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अराउंड में आपके जो स्टॉक्स है उनको आप ट्रैकिंग में डाल दीजिए तो शायद आप अभी हिंदुस्तान देख रहे हैं चाहे रहे। तो जो स्टॉक्स आपके बट आप वीडियो कर, आप कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें अभी मोमेंटम चल रहा है राइट सर उसी डिस्कशन का कंटिन्यूटी में मैं आपको एक, एक और तरीका बताता हूँ कि आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए ठीक okay. है ये कॉन्सेप्ट है सेक्टर रोटेशन ठीक है सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या रोटेशन सेक्टर तो समझ गई रोटेशन नहीं समझ अच्छा गेस करो सेक्टर रोटेशन मतलब क्या होता है सेक्टर रोटेशन मतलब हाउ डू यू कीप रोटेटिंग सेक्टर टू सेक्टर दैट इज क्वाइट लॉजिकल थोड़ा सा मैं इसमें मिर्च मसाला डाल देता हूं hmm. कि यू डोंट रोटेट अच्छा इवेंचुअली

सो एसेट क्लास का मतलब हो गया एसेट का क्या मतलब है एसेट एनीथिंग दैट वैल्यू या ओके विच वैल्यू एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू राइट जो हम लोग टिपिकली फिजिकल फॉर्म में आज तक पढ़ते हैं कि एक फैक्ट्री एसेट है गाड़ी एसेट mm. एसेट है कि ये है right. एक ये माउस राइट फिजिकल एग्जिस्टेंस है ओके हाँ. okay. पिछले सौ साल के अंदर में फाइनेंशियल एसेट्स हैव बिकम सो बिक कि रियल एसेट उनके सामने बहुत छोटा लगने लग गया है तो फाइनेंशियल एसेट अगर मैं बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल एसेट है इक्विटी मार्केट राइट शेयर तो कंपनी का शेयर जो है वो एसेट ही तो है लाइबिलिटी नहीं लाइबिलिटी कंपनी के लिए राइट right. क्योंकि उसको वो पैसा शेयर धारक को देना होगा राइट right. बट आप अगर वो होल्ड करते हैं तो आपके लिए एसेट तो राइट right. हाँ सो टेकिंग डेफिनेशन वॉट यू सेट की एसेट इज समथिंग विच कैन गिव यू फ्यूचर वैल्यू इज एन एसेट राइट right. अगर कोई चीज फ्यूचर वैल्यू नहीं दे रहा है करंट वैल्यू अगर दे रहा खाली, तो उसको क्या बोलेंगे? वो है फिर. Okay. Right. कि अगर मैं, आ, कुछ भी ऐसा है कुछ मैंने खरीद रखा है जो प्रॉब्लम एक मशीन है जो कि खाने का आइटम प्रोड्यूस करता जा रहा है hmm. तो वो hmm. मेरे लिए एसेट है hmm. तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज एन एसेट ओके गोल्ड इज एन एसेट ओके फिजिकल फॉर्म जरूरी नहीं है अब आप बोल सकते फिजिकली अवेलेबल तो है mm -hmm. तो एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर फिजिकल फॉर्म के अगेंस्ट पेपर एसेट्स रिलीज किया जाता है okay. सपोज एक गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं mm -hmm. थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंग वी शुड डिस्कस दिस कि एक कंपनी है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिहाफ में गोल्ड वेयर हाउस में रख रही हूं तुम्हारे बिहाफ में मैं रख रही हूं और मैं तुमको पेपर में लिख के दे दे रही हूं कि भाई तुम्हारा इतना गोल्ड मेरे पास पड़ा है तो पेपर क्या है ओके दैट इज रिसीट इट्स अ रिसीट व्हिच इज एन एसेट राइट ओके और उसके पीछे में रियल एसेट क्या है गोल्ड ओके राइट सो दुनिया में जब फाइनेंशियल एसेट चालू हुए थे तो पर्पस यही था कि भाई हाउस में पड़ा हुआ है। जैसे बैंक लॉकर है, okay. जैसे बैंक, uh, है right. कि कैश जो है आप बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको एक कागज में लिख के देता है भाई तेरा ये एसेट है मेरे पास पड़ा है hmm. सेफ्टी तो जब फाइनेंशियल एसेट की शुरुआत हुई थी तो ऐसे हुई थी ओके बट उसके बाद डेरिवेटिव्स आ गए उसके बाद फाइनेंशियल इतने बड़े हो गए कि अब वो फिजिकल एसेट को ओवर पावर कर रहे ओके ठीक है है okay. है इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे okay. तो ये इतना <laughs> इतना कॉम्प्लेक्स और डीप टॉपिक है right. कि बहुत ही अलग वीडियो कमान करता है। तो इस पे जाएंगे नहीं ज्यादा ठीक है क्योंकि इकोनॉमिस्ट लोग का काम है इस पर ज्यादा चर्चा करना मार्केट वाले लोग फोकस करते हैं कि मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करके पैसा कैसे बनाना है तो आ जाते हैं तो सेक्टर रोटेशन सेक्टर रोटेशन तो दुनिया में इतना पैसा है कि अल्टीमेटली जो लोगों के पास ये पैसा है वो ढूंढते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज कहा जाए और मैं उस एसेट को बेच के फिर रिटर्न कमा सकू ओके okay. जैसे यूएस के अंदर में इतने वियर्ड वियर्ड फिनेंशियल एसेट्स है जैसे वहां पर डेरेवेटिव है ऑरेंज जूस के सर डेरेवेटिव समझाएंगे अभी नहीं बाबा अभी तो स्टार्टिंग में सातवा क्लास में तो डेरिवेटिव नहीं सिखाने वाला हूंगा आई थिंक सेवनटीन क्लास में बात करें डेरवेटिव के बारे में बिकॉज <laughs> वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अभी से ही डेरवेटिव के बारे में सोचें ओके okay. एक बार दस और क्लास करते हैं बिना डेरिवेटिव के उसके बाद चलेंगे ठीक, ठीक है सर। तो यूएस के अंदर में एक फाइनेंशियल एसेट है हटाओ फाइनेंशियल एसेट है विच इज अगेंस्ट ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस विच इज अगेंस्ट पोक बेली कि पोक का बेली okay. उसके अगेंस्ट में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किया हुआ है ओके okay. तो बहुत तरह के फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं mm. तो सेक्टर रोटेशन का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं वो अल्टीमेटली पैसा कभी इस सेक्टर में डालेंगे कभी इस सेक्टर में डालेंगे कभी इस सेक्टर में डालेंगे ठीक mm. है mm. हमारा काम यह है कि हम वो सेक्टर को आइडेंटिफाई करें जिसमें अभी पैसे घुस रहे हैं okay. क्योंकि जिस सेक्टर में पैसे घुसेंगे उस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें पैसे घुस रहे हैं तो अगर आप ये पहले आइडेंटिफाई कर पाते हैं विजन लेके तो तो फिर आप शायद अर्ली वो सब स्टॉक्स में घुस पाएंगे ओके तो आज मैं आपको समझाता हूं कि सेक्टर को कैसे स्टडी करते हैं सेक्टर रोटेशन कैसे स्टडी करते हैं ये सेक्टर्स का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हम लोग अच्छा मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर क्या होता है आयरन इन स्टील क्या होता है वो डीप फंडामेंटल एक एक सेक्टर के अंदर में जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे मेरा मानना है कि कोई भी स्टॉक का आप रिसर्च करते हो तो कम से कम आपको उसमें कम से कम तीस घंटा देना होगा और किसी भी सेक्टर का रिसर्च करोगे तो तीन सौ घंटा देना पड़ेगा so, तीस घंटा में, में। जरूरी नहीं है थोड़ी ना सुबह से रात <laughs> में मे दिन का तुम चार घंटा पढ़ोगे right. तो तो समय बहुत देना पड़ता है फंडामेंटली टेक्निकली इज रिलेटिवली लेसर टाइम तो लेट्स डिस्कस सेक्टर रोटेशन तो आप देखो स्टॉकेज के अंदर में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक सेक्शन है सेक्टर जहां पर आप कोई भी सेक्टर सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको लीडर्स पता लग जाएगा ठीक है यहां नहीं आना है अपने को जाना है इंडाइसिस में इंडाइसिस का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंजेस ने इंडाइसिस बना रखे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीजों को जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स इस इंडेक्स है जो कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है मतलब कि मेन कंपनीज इंडिया की निफ्टी में 50 है सेंसेक्स में 30 है अगर उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया जाए जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं क्रिएटिंग एन इंडेक्स आउट ऑफ दी स्टॉक्स बच्चा अगर निफ्टी में भी पचास है आप बोल रहे तीस है हुँ. तो आई थिंक निफ्टी के जो पचास है वो सेंसेक्स में कवर्ड yes. अच्छा। okay. है देन मोस्टली यस कि वो पचास स्टॉक निफ्टी वाले हैं मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबको बराबर का वेटेज दिया गया है वेटेज सी सी का भी वेटेज सबका वेटेज अलग अलग है कैसे निकालते हैं उसके लिए आपने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज सिंपल एवरेज इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राइट वेटेड एवरेजेस की कोई एक वेट यूज किया जाता है तो जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं जब एक्सचेंजेस क्रिएट करते हैं mm -hmm. हम नहीं करते ये तो फ्री फ्लोट को वेटेज के रूप में यूज किया जाता है फ्री okay. फ्लोट क्या है कि कंपनी के पास सपोज टोटल में सौ शेयर है mm -hmm. जिसमें से साठ शेयर प्रमोटर के पास है और 40 शेयर पब्लिक में तो फ्री फ्लोट का मतलब है जो शेयर पब्लिक में है वो फ्री फ्लोट का पार्ट है मतलब 40 चालीस okay. क्योंकि वही ट्रेड हो सकते हैं ना हु. जो प्रमोटर के पास शेयर हो हो तो हो सकता है right. तो वो यूज नहीं किया जाता है एज अ वेटेज अच्छा तो कोई भी इंडेक्स अगर एक्सचेंज क्रिएट करता है तो स्टॉक के प्राइसेस हैं जो वो लिमिटेड स्टॉक्स है और उनके वेटेजेस उसको कंसिडर किया जाता है ठीक है ये मुद्दा नहीं है जल्दी जल्दी चलते हैं तो ये इतने सारे इंडाइसेज एक्सचेंजेस ने क्रिएट कर रखे हैं ये देखो एन के इंडाइसेस हैं कुछ यहां पर मैं ये बी एस सी के इंडाइसेस इसके बाद गेनर्स भी देखो तो बीएससी के ये सब इंडाइसिस गेनर्स है ये डेली गेनर्स है आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आज के गेनर्स है मैं इसको एक महीना कर देता हूं तो पिछले एक महीने के ये सारे गेनर्स है ओके। तो बी एस सी पी एस यू तेईस पॉइंट छ परसेंट भरा है इसका इसका मतलब 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 क्या है? नहीं नहीं। इसमें बैंक्स था। 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 Sorry, सेक्टर कंपनीज मतलब ओके okay. को मिला के एक इंडेक्स क्रिएट किया गया है और वो इंडेक्स जो है वो तेईस परसेंट हुआ है ओके okay. तो हो सकता है कुछ कंपनीज तेईस परसेंट से ज्यादा बढ़ी भी होगी hmm. कुछ कंपनीज तेईस परसेंट से कम बढ़ी हुई भी होगी बट ब्रॉडली इंडेक्स जो बना है वो ये बता रहा है कि overall public sector enterprises के अंदर में बाइंग आई है। है, तो समझ जो वो सात हजार एक सौ सन्तानवे रुपए ये वैल्यू है इंडेक्स का इंडेक्स का कैलकुलेशन करने का मेथोलॉजी होता है तो आप आप ई एल एम स्कूल में जा सकते हैं वहां आपको टैक्स मिल जाएगा या गूगल कर लीजिए कि इंडेक्स कैसे बनता है नहीं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है okay. तो उस पर टाइम नहीं लगाते हैं तो आप मान लो कि पिछले एक महीने में ये इंडेक्स तेरह अंक बढ़ा है और आज की रेट में ये सात का प्राइस कोट कर रहा है इसका मतलब तेईस वो बढ़ा है इसका मतलब एक महीने पहले क्या था सात हजार एक सौ सन्तानवे माइनस तेरह हजार पिछहतर तेरह सौ पिछहत्तर वॉज वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स ठीक है तो इसका मतलब ये इंडेक्स के अंदर में जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्म की होगी तो पैसे इन कंपनीज में गए होंगे राइट hmm. hmm. अगर ये मुझे एक महीने पहले पता लग जाता कि पीएसयू के अंदर में पैसे जा रहे हैं तो मैं बाई कर लेता hmm. लॉटरी लग जाती मेरी क्वेश्चन है कि कैसे पता करें है ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ यहाँ पर और नजर आएंगे बी एस सी एस एम ई आई पी ओ ये है कि बी एस सी में किस किस कंपनीज ने एस एम ई सेगमेंट में आई पी ओ लेके आया था उसका यहाँ पर इंडेक्स बना हुआ है एक्सचेंजेस क्या है ना अलग अलग तरह के इंडेक्स बनाते हैं तो हम सारे इंडेक्स को नहीं देखेंगे नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कुछ देख लेंगे अभी अभी हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करते हैं तो अभी मैं बी ले रखा था चलिए एक बार एनएससी में चले जाते हैं बिकॉज फॉर सिंप्लिसिटी एक बार एनएससी के इंडेक्सेस को देते हैं दोनों एक्सचेंजेस अपना अपना इंडेक्स बनाता है okay. उनका काम ही है कि वो इंडेक्स बना के रिप्रेजेंट करवाते हैं मार्केट को ठीक है तो आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बी करना है या एनएससी करना है एनएससी में कम इंडासेज है बी में ज्यादा इंडाइसेज है उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं बट हमको सेक्टर इंडा के बारे में फोकस करना विच इज निफ्टी डिविडेंड so, एक इंडेक्स है. Hmm. है क्या होगा वो यू थे कुछ ऐसा ही होगा या टॉप कंपनी जो डिविडेंट देती है क्योंकि सारी कंपनी तो हो नहीं सकती है एनएससी के अंदर में दो हजार कंपनी लिस्टेड है तो उसमें से अगर हजार डिविडेंड देती है तो हजार को तो इंडेक्स में नहीं डालेगा इट इज मोर ऑफ अजेंटेशन कि टॉप कंपनी जो डिविडेंड देती है उनको यहां पर डाल दिया होगा okay. तो समझना पड़ेगा क्या है निफ्टी hmm. मेटल ये क्या है मेटल इंडस्ट्री में टॉप मेटल एग्जैक्टली निफ्टी बैंक टॉप बैंकिंग कंपनी परफेक्ट सो हमको मोटा मोटी पर सेक्टर के इंडाइसेस मिल जाएंगे ओके okay. अब हर इंडेक्स के अंदर में हम जाएंगे तो हमको स्टॉक्स का रिटेल मिल जाएगा चलो मेटल में चलते हैं hmm. क्लिक किया अंदर घुसा ये मेटल इंडेक्स का परफॉर्मेंस है पिछले अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये एडवांस चार्ट है जिसमें आप एडवांस टेक्निकल कर सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगा ये बाद में अभी नहीं देखेंगे ये है स्टॉक का लिस्ट आपको याद है मैंने बताया था सेक्टर सेक्शन में जाते हैं तो वहां मार्केट कैप से आप देख सकते हैं यहां देखिए इंडेक्स को भी हमने स्टॉक्स के कंपोनेंट को मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर रखा है तो हिंदुस्तान जिंक इस इंडेक्स का पार्ट है और उसका मार्केट कैप है एक लाख उनतीस हजार करोड़

ये सारी कंपनीज है इसके अंदर में गेनर देखें तो पिछले एक महीने में निफ्टी मेटल 20 परसेंट बढ़ा हिंदुस्तान कॉपर 156 परसेंट बढ़ा है मतलब डेढ़ गुना हो गया एक महीने में क्या कर रहे हैं हम लोग हाँ हम लोग रिकॉर्ड करते रह गए हिंदुस्तान कॉपर बताओ डेढ़ गुना हो गया हिंडाल को तिरालीस परसेंट बढ़ गया और हम लोग एक महीने से रिकॉर्ड कर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए था स्टील ऑथोरिटी पच्चीस बढ़ा है अब तुमको समझ में आ रहा है क्या करना है सेक्टर का इंडेक्स को देख के प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है कि ये सेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा और उस सेक्टर में जो स्ट्रॉग स्टॉक है उसको लेना है सिमिलरली जिस सेक्टर के अंदर में सेक्टर वीक है और वीक स्टॉक है उसको बेचना है बेचने का काम अभी आपने नहीं करेंगे बिकॉज वो derivatives में हो सकता है जो कि अभी वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू सेल लेने का काम हम करेंगे तो हम वो सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें तेजी हो सकता है और उसमें अच्छे स्टॉक जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे राइट ठीक है और वो काम कैसे होगा सर तो ट्रेडिंग तो व्यू ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं नहीं काम हमारे स्टॉकिन में भी हो सकता है okay. ट्रेडिंग व्यू को भी मैं दिखाता हूँ आपको इसमें हम ये काम कैसे कर सकते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का आपके पास बेसिक वर्जन है जो कि ऐसा दिखता है ठीक है इसमें एस दिख रहा है अभी यहां पर आपका एक वॉचलिस्ट है मैं चलिए एक वॉचलिस्ट क्रिएट कर लेता हूं यहाँ सेक्टर्स ठीक है आपके पास जो वॉचलिस्ट है आप उसमें भी डाल सकते हैं आपने तो फ्री यूज कर रहे हैं तो आपको एक ही मिल रहा होगा मैंने एडवांस वर्जन ले रखा है मैं भी एक पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा कि आप भी एक लेवल एडवांस ले लीजिएगा क्योंकि एडवांस वर्जन में क्या होता है मल्टीपल और काम कर सकते हैं okay. तो मुझे सेक्टर्स को ऐड करना है तो निफ्टी के ही ऐड करते हैं तो सबसे पहला है निफ्टी मेटल ठीक है तो यहां मैं ढूंढूंगा क्लिक करके निफ्टी मेटल या सी एन एक्स मेटल राइट ये प्लस कर दिया मैंने तो यहां एड हो गया अब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आपको ये मेटल इंडेक्स का चार्ट नजर आ जाएगा ओके okay, तो अभी तक जो हम लोग एक कंपनी को का चार्ट एनालाइज कर रहे थे, अब हम लोग सेक्टर का चार्ट एनालाइज करेंगे okay. इससे फायदा क्या होगा कि सेक्टर में क्या चल रहा है उसका आइडिया लगेगा और अगर सेक्टर में दम है तो उस सेक्टर के में जो अच्छे स्टॉक है hmm. उनपे करेंगे तो इस सेक्टर में अच्छे सारे स्टॉक्स जो है वो भी डाले हाँ ये वन टाइम मेहनत है देखो करना तो पड़ेगा एक बार करने के बाद तुम्हारा टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो या तो या तो आप हर सेक्टर का अलग अलग वॉचलिस्ट बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का अगर आपको एक ही से चलाना है तो इसी के अंदर में ऐड कर लीजिए जो ट्रेडिंग व्यू में एक बहुत अच्छा फीचर है राइट क्लिक करोगी तो यहाँ पर एड सेक्शन ओके एड सेक्शन को क्लिक करो एक सेक्शन ऐड हो गया इसमें आप इसका नाम कर दो मेटल तो मेटल का इंडेक्स भी आ गया अब मेटल के सारे स्टॉक्स यहाँ पर ले आओ क्या क्या स्टॉक हैं तो मेटल में चलते हैं स्टॉक्स सबसे पहले है इसको एक काम करते हैं ऑल कर देते हैं तो मार्केट कैप वाइज सामने आ जाएगा पहला है हिंदुस्तान जिंक तो सर्च मारते हैं हिंदुस्तान जिंक को प्लस करो हिंदुस्तान जिंक मिला क्लिक करो ऐड कर दो इसको क्या ऐड हो गया तो ऐसे करके हमको एक एक करके सारे स्टॉक्स को ऐड करना है ओके okay. मैं चाहता हूँ ये काम आप मैनुअली करें मैं इसको ऑटोमेट भी कर सकता हूँ आपको प्रोसेस बता सकता हूँ बट आई वॉन्ट यू टू डू मैनुअली इससे क्या होगा कि आप ये कंपनीज का नाम बोलेंगे hmm. और उच्चारण करेंगे और आप बोलेंगे तो आपको पता लगेगा अरे ये कंपनी है रत्ना मनी मेटल कभी सुना था नहीं मॉइल कभी सुना था मिश्रा धातु निगम कभी सुना था वेल्समैन कॉर्पोरेशन कभी सुना था तो एटलीस्ट आप जब बोलेंगे और यहां पर ऐड करेंगे इनका नाम hmm. तब आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये नाम जा रहे हैं राइट राइट सी इवेंचुअली मैं अनुपूर्णा आपको निफ्टी के जो 500 स्टॉक्स हैं मिनिमम जो एन एस एक इंडेक्स है अगर आप इंडेक्स में जाओगे ना निफ्टी का तो वहां पर एक इंडेक्स है एनएससी ये देखिए निफ्टी फाइव हंड्रेड निफ्टी टू हंड्रेड निफ्टी फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड इवेंचुअलीफ्टी फाइव हंड्रेड पे फोकस करवाऊंगा okay. और निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर में हर सेक्टर वाइज स्टॉक का आपको क्लासीफिकेशन करवाऊंगा तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि इंडिया के टॉप फाइव हंड्रेड कंपनी को आप ट्रैक करेंगे और उनमें से किसी भी कंपनी के अंदर में कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको लह ऑन करेंगे ठीक है, बट वो दूर की बात है Probably वो कॉन्फिडेंस आएगा तो एक, -एक करके स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या कर रखा है मैंने एक बना रखा है देखिए मैं इसका प्रीमियम यूजर हूं तो मैं इतना सारा बना पाता हूँ मैंने सेक्टर इंडाइसिस बना रखे हैं और यही काम मैंने यहाँ पर कर रखा है आप देख पा रहे ये ब्रॉड इंडाइसिस मैंने कर दिया जिसमें बड़े बड़े इंडाइस उनको ऐड कर लिया मैंने प्राइवेट बैंक्स का मैंने बना दिया एक सेक्शन बना के ऐड कर दिया स्टॉक्स ये इंडेक्स है पी एस यू बैंक्स का मैंने कर दिया रियलिटी का कर लिया फार्मा कर लिया एफ एम सी जी कर लिया मीडिया uh, कर लिया आई टी सेक्टर कर लिया तो जिस जिस सेक्टर के अंदर में मुझे ट्रैकिंग रखना है मैं वो सारेक्स सेक्टर्स सेक्टर का एक सेक्शन बना के इस तरह से स्टॉक ऐड कर लिया तो सर ये जो सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है तो इसका भी कोई लिमिट है क्या कि दो सेक्टर साथ में ट्रैक करो या चार सेक्टर टॉप ऐसा नहीं है आप जितना करोगे देखो आप उतना इंटेलिजेंट बनोगे उतना आपके नॉलेज भी ट्रैकिंग के लिए तो अंदर में मैं कहता हूँ एनएससी के जितने भी सेक्टर हैं उनको ट्रैक कर लो ये सारे यहाँ पर जो हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक है अब निफ्टी कमोडिटी सेक्टर नहीं है वो वो सारे स्टॉक्स को ऐड कर रखा है जिसमें कमोडिटीज बिजनेस है या निफ्टी पीएससी जो है वो सेक्टर नहीं है ओके सीपीएससी सेक्टर नहीं है बैंक सेक्टर है मेटल सेक्टर है एनर्जी सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर है फाइनेंस भी इनफैक्ट ब्रॉडर है क्योंकि बैंक भी फाइनेंस के अंदर में रियलिटी सेक्टर है इंफ्रा सेक्टर है, है तो जो सेक्टर है वो सारा यहाँ पर आप डाल मैंने डाल रखा है मैं आपको लिस्ट दे दूंगा तो आप उसी को अपने ट्रेडिंग व्यू में बना लेना जैसे मैं बना रखा हूँ okay. मेहनत लगेगा देखो इसमें एक एक स्टॉक को ढूंढ के डालने में बट इट्स वर्थ पुटिंग दैट एफर्ट ठीक है अच्छा ट्रेडिंग व्यू में ना एक और फीचर है कि आप ना एक एक इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स पे कलर कोडिंग कर सकते हैं ओके okay. तो आप जब क्लिक करते हैं ना यहाँ पे hmm. तो ये पूछता है कोई कलर कोड करना है क्या okay. तो मैंने क्या किया मैंने इंडाइसेस के अंदर में रेड कलर कोड कर रखा है

भाई बहुत लोग तुमको फॉलो करने लग गए हैं यूट्यूब में बोलो ये फाइनेंस सर सेम बुलिश ट्रेंड ये बुलिश ये ये भी बुलिश है ये सर so, ये भी बुलिश है वेरी गुड ये ये थोड़ा ये भी बुलिश है बट नॉट एज स्टीप एज द अदर्स तो जब मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं ना तो थोड़ा उसको सोचो शॉर्ट टर्म के लिए हम्म hmm. क्योंकि अगर तुम ये अप्रैल से डेटा देखेंगे लास्ट ईयर का तो सारे ही बुलिश नजर आएगा मार्केट ही बुलिश था hmm. थोड़ा सा डेटा अब बोलो थोड़ा मैं इसको जूम इन कर दिया मैं सितंबर से खाली देखने, देखने बोल रहा हूँ तुमको ठीक है अब, अब बोलो थोड़ा कंसोलिडेशन में ये okay. yeah. ये स्टार्टिंग में बुलिश था बट अब कंसोलिडेशन में और अब शायद नीचे भी गए रहे ये yeah. ये भी सेम सा ये yeah. ये बुलिश में अभी भी ये तो पूरा में सब तो ये सारे सेक्टर इंडेक्स में अगर मेरे को तुमको ये पूछना हो कि एक इंडेक्स बताओ अनुपूर्णा जो कि तुमको लग रहा है कि सर क्या जबरदस्त तेजी है इसके अंदर में में सब बैंक में सब बैंक्स मुझे जबरदस्त तेजी एक बार फिर से सोच लो बैंक में डाल दिया हूं मैं देखो बैंक और ये मेटल बैंक मेटल बोलो किसमें घनघोर तेजी सर uh, अगर हम लोग अभी का कंसिडर करें शॉर्ट टर्म का तो मेटल में ज्यादा तेजी वेरी गुड और थोड़ा अगर थोड़ा सा दूर जाए अभी मतलब शॉर्ट टर्म मतलब अभी कुछ दिन हो गया राइट right. थोड़ा दूर जाए कि अगर मेरे को महीने दो महीने का तेजी या मंदी देखना हो तो, तो तुमको बैंक अच्छा राइट right. तो आधा बैटल तो आपने जीत लिया है आपको ये फील होने लग गया है hmm. कि कौन सा सेक्टर पे तेजी है Michael. और कौन सा सेक्टर में मंदी है तो so, जो तेजी वाला सेक्टर है अब उसमें हमको मंदी वाला सेक्टर में हमको मंदी वाला स्टॉक ढूंढना अगर आप बेचने का काम करते हैं तो चलिए मेरा उसमें चलते हैं वापस से सेक्टर इंडाइसिस वॉचलिस्ट में आपने कहा कि सर मेटल तेजी में है ठीक है तो वह मेटल का सेक्शन में चलते तो इतने सारे स्टॉक हैं मेटल में ठीक है हमको इन्हीं स्टॉक्स में से जो सबसे तेज है उसी पे ही तो पैसा डालना चाहिए ना राइट तो चलिए देखते हैं ओहो ये तो <laughs> बहुत ज्यादा तेज हो गया ये तो डराने लायक तेज है तो इसमें अभी डालेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि नहीं है एग्जैक्टली नहीं है। exactly. तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इतना तेज हो गया इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है

तीन दो तीन अगर पॉइंट्स हो तो okay. वो अच्छा तो फिर अपने को और दूर जाना पड़ेगा ओके okay. और दूर चलिए right. क्या मिला हम लोग को देखिए hmm. तो अब ये स्टॉक अगर इस प्राइस के ऊपर बंद कर देता है hmm. सात सौ तिरालीस hmm. क्या हाई बनाए थे एक बार इसको चेक कर लेते हैं पे ये था यही था सात सौ चालीस बयालीस तो आज अगर ये स्टॉक इस भाव के ऊपर बंद हो जाता है तब इस स्टॉक के अंदर में एक नई रैली आने की पॉसिबिलिटी है तो ये हमारा ट्रैकर का पार्ट हो गया कि टाटा स्टील अगर 745 के ऊपर में क्लोज दे देता है क्लोज देना जरूरी है ये हमारा है, और हम डेली कैंडल देख रहे हैं चार्ट देख रहे हैं, तो देना बहुत जरूरी है। ओके। इसके ऊपर अगर बंद दे, दे देता है तो फिर ये एक अच्छा तेजी की तरफ हमको डायरेक्शन दे सकता। ओके। तो एक के Right, हमेशा ये बात समझिएगा कि हर भाव पे हर स्टॉक में काम नहीं किया जा सकता हर स्टॉक का एक राइट प्राइस होता है और उसी प्राइस पे काम करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है hmm. तो मैं हमेशा सही प्राइस का वेट करता हूँ okay. प्राइस ब्रेकआउट हो सकता है जैसे ये ब्रेकआउट दिख रहा है hmm. प्राइस रिट्रेसमेंट हो सकता है मतलब नीचे डिमांड जोन में आएगा तब मैं एंटर करूंगा hmm. तब तक किताबें पढ़ो एंजॉय okay. करो मार्केट देखो जरूरी तो ना कि हर वक्त खेलते रहना खेलते रहना वीडियो गेम थोड़ी ना उसके बाद अब चलते हैं ओह का जब एंडाल को। थोड़ा दूर देखें इसका कोई लेवल है क्या पीछे जाते हैं पीछे जाते हैं पीछे जाते हैं पीछे जाते हैं फेवरेबल है नहीं है ये थोड़ा नीचे आ जाए ना यहाँ पे जब तक सेक्टर में तेजी है अगर ये नीचे यहां तक आ जाता है जो कि पिछला सप्लाई जोन था अब यहां डिमांड जोन हो सकता है ये तो ये 280 के पास में आएगा ना तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा नहीं तो ये दुख ही देगा हमको तो जाने देते हैं इसको हम लोग देखिए आप समझिए आप लोग अभी आए हैं तो आप लोग वो रिस्क नहीं ले सकते जो शायद मैं ले सकता हूं आज मैं हो सकता है तो हिंदाल को मैं अटम्प करूंगा क्योंकि मेरे को लगता हो सकता है यहाँ से और मोमेंटम मिल जाए तो मैं वो रिस्क ले सकता हूं बट आप नए आए हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहां आए आप जब भी थोड़ा करेक्ट कर जाए तब आए अगर उस सेक्टर में अभी भी तेजी बनी हुई है तो ये देखिए कितना अच्छा चार्ट जोन था ये तोड़ देगा तो इसको लेना चाहिए राइट हाँ सेल बहुत अच्छा चार्ट है ये हाँ। देखिए अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं चार्ट के जैसे आई मीन हेड एंड शोल्डर और बहुत सारे अपने डिस्कशन करेंगे हाँ। बट आप देखो यहाँ पर सेल ये पैटर्न बनाया उसके बाद एक किया फिर नीचे गया फिर अब ये पैटर्न को ओवरऑल तोड़ने की कोशिश कर रहा तो जो जो है तो ये जो जोन है मोस्ट लाइकली ये जो जोन है पूरा सिक्सटी सेवन से लेके ये ये बहुत ही अच्छा जोन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ओके okay. और इसके ऊपर चला गया सेवनटी नाइन के ऊपर तब तो बम बम मजा आ जाएगा तो सर अब मुझे इफ आई प्लान टू बाय दिस स्टॉक मैं अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो देखूं या जो आपने आ, जो जोन का वो बनाया है उस पर वेरी गुड क्वेश्चन आई आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर आस्किंग सच सेंसिबल क्वेश्चंस सो अगर मुझे सौ रुपये लगाने हैं तो मैं चाहूँगा ये नीचे आ जाए तब मैं लूँगा बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड इशू फेवरेबल है राइट right. बट ये पट्टा आएगा नहीं ओके okay. <laughs> तो अपनी अपॉर्चुनिटी आप गई तो इसका एक ही समाधान है बीस पच्चीस परसेंट डाल दो सौ रुपया डालने का सोचे थे ना तो पच्चीस रूपए डाल दो एक बार ओके तो क्या फोमो नहीं होगा कि अरे यार देख के भी मैंने कुछ नहीं किया अब ये नीचे अगर आ गया तब और पच्चीस परसेंट डाल देना और नीचे चला गया तो और डाल देना ओके जब तक इसका ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है और सेक्टर के अंदर में तेजी है बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि क्योंकि सेक्टर में तेजी बरकरार है तो मैं ये काम कर रहा हूं सेक्टर वीकनेस अगर दिखा दिया तब मैं भाग जाऊंगा क्योंकि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं इन्वेस्टर hmm. होता है बुलिश और, hmm. और बेरिश ट्रेडर अपॉर्चुनिस्ट है जब पैसा मिलने का चांस मिला घुस जाओ जब निकलने का दिखा रहा है इंडिकेशन तो चुपचाप निकल के घर पे अपने बिल में बैठ जाए चूहे की तरह सोचो ओके सर ये तो अगर आप बोल रहे नीचे जाए तो और, और अगर ऊपर जाए तो तो ये ब्रेकआउट जब हो जाएगा तो यहाँ पच्चीस परसेंट किया तो ये ब्रेकआउट होने के बाद में पचहत्तर परसेंट डाल दो okay. फिर क्यों डालना right. ये तो अपने फेवर में हो गया ये तो अपने कंट्रोल में है फिर तो ऑल इन जाना है डू यू यू प्ले पोकर नो नो सर नहीं इस ऐसे कोई बहुत बुरी बात नहीं है पोकर खेलना इट्स अ गेम सो पोकर में क्या होता है अगर गेम मैं भी सीख रहा हूं मैं बहुत अच्छा पोकर प्लेयर नहीं हूं बट अगर गेम आपके कंट्रोल में आ गया ना तब तो आप बॉलिंग चले जाते हैं ओके okay. क्योंकि सामने वाला को उसका वीकनेस दिखाना उस समय बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि गेम आपके हाथ में है तो ये स्टॉक के साथ आप पोकर गेम खेल रहे हैं और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया है और आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट आया है और आपने नीचे लिया था तो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मेरा नीचे का भाव पे लिया हुआ है तो लेट्स गो ऑल इन। के बारे में करके एक बनाना, इसमें और भी बहुत पैरामीटर्स है डिलीवरी देखना इसमें स्ट्रेंथ देखना सेक्टर का विज विज़ मार्केट वो सारे पैरामीटर उस पर भी अपने कभी और चर्चा करेंगे एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बट अब ना आ वट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एस कि आप अपना ट्रेडिंग व्यू में आ, सेक्टर्स लगा लीजिए और उनका चार्ट सेक्टर इंडाइस का चार्ट देखना चालू करिए ओके okay. ठीक है ओके okay. सो so, दोस्तों मज़ा आ रहा है ये हाँ ये देखिए मेरा फेवरेट टॉपिक है सेक्टर रोटेशन बिकॉज मेरा खुद का पूरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है इसी के अराउंड है और ये ना ऐसा छुपा हुआ साइंस है जो हर कोई बाहर लाना नहीं चाहता है और मेरे को लगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए बता तो दूंगा बट कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको फॉलो करेंगे नहीं पता है तो ये मेरा पहला क्लास था सेक्टर रोटेशन पे ये सिर्फ बेसिक है इसके ऊपर मैं बहुत एडवांस स्टडीज़ है एडवांस साइंस है वो सब मैं डिस्कस करूंगा तो आप इस चैनल के साथ और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए दोस्तों शेयर कम कर रहे हैं आप लोग थोड़ा ज़्यादा कीजिए ताकि और भी लोगों को उसका फ़ायदा हो और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरे देश में कोने कोने तक पहुंच पाए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बाय बाय